स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं के हाथों में कौशल दिया है। वहीं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया ने उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। कौशल और स्टार्टअप का ऐसा ही कॉम्बिनेशन है दिल्ली के रहने वाले हर्षित तनेजा, जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत निस्पट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग ली और आज एक सफल उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। एक आत्मनिर्भर बनने या एंटरप्रेन्योर बनने से ये चेंज आता है कि आप एक सेल्फलेस इंसान बन जाते हैं, कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा कि कभी भी छुट्टी ले ली, कभी भी किसी काम को मना कर दिया, ये भी सोचना है कि अगर हम काम करेंगे, जितना हम अभी काम करेंगे उतने हम आगे लोगों को और काम दे पाएंगे, अपने साथ को उतना काम देंगे उतनी हम उनको सैलरी ज़्यादा दे पाएंगे। तो एक वो सेल्फलेस काफ़ी आई है जब से हमने अपना काम शुरू किया है, कि अपने बारे में सोचने के अलावा दूसरों के बारे में सोचना काफ़ी शुरू। मेधावी और जिज्ञासु स्टूडेंट के रूप में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों को साकार करने के लिए हर्षित ने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान हर्षित को फूड कैटेगरी में खुद का काम करने का आइडिया आया और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुकिंग में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरी नानी कभी कभी हमारे घर पे आया करती है और जब भी वो आया करती है वो एक मटर मशरूम की सब्जी बहुत प्यार से बनाती थी, तो उनके साथ खड़े होकर देखना कि कैसे वो बना रही हैं, क्या क्या मसाले डाल रही हैं, क्या कैसे वो चीज़ें काट के किस वक्त पे क्या डाल रही हैं, तो मेरे को तब बहुत पसंद आता। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 5th या 6th क्लास में था। बिजनेस आइडिया को कैसे बिजनेस में तब्दील किया जाए, इसका रास्ता हर्षित को निस्पट में आकर मिला। निस्पट में एडमिशन लेने के बाद हर्षित ने बिजनेस एस्टेब्लिश करने और उसे प्रॉफिटेबल बनाने की बारीकियों को सीखा। फिर साल 2020 में कोरोना काल से पहले कैटरिंग सर्विस की शुरुआत की। बात है 2020 की, हमारे कॉलेज ग्रुप में एक नोटिस आया था कि निस्पट एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स शुरू कर रही है, तो मैंने उसको रजिस्टर किया और वहाँ पे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, हायरिंग कैसे करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बताया, पैकेजिंग का बताया, उन्होंने हमारे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो बिजनेस रन करने में, इवन स्टार्टअप इंडिया के बारे में या बिजनेस लोन दिलाने में जो हेल्प करते हैं उनके बारे में भी हमें बताया। निस्बट से मिला बिजनेस स्किल हर्षित के काम आया और धीरे धीरे कोरोना काल खत्म होने के साथ ही बिजनेस ग्रो करने लगा और आज हर्षित का सालाना कारोबार 70 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। हर्षित ने कैटरिंग सर्विस, कॉरपोरेट इवेंट्स, फास्ट फूड डिलीवरी के जरिए आम व्यक्ति से लेकर सरकारी और कॉरपोरेट ऑफिस तक अपने कारोबार को बढ़ा लिया है। निस्बट से मैंने यही सब सीखा कि कैसे कैश फ्लो मेंटेन किया जाता है, उन्होंने एक बहुत प्यारी गेम के साथ हमें ये सिखाया था, उसके अलावा कि कैसे आप गवर्नमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जहाँ पे आपको और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उन्होंने हमें जेम के बारे में बताया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें निस्बट के थ्रू ही मिली। निस्बट युवाओं को बिजनेस स्किल सिखाकर एक उद्यमी बनाने का काम कर रहा है। निस्बट के इसी प्रयास से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया का सपना भी पूरा हो रहा है और युवा रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। उद्यमिता और स्वरोजगार जो है वो हमारे यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारे यूथ को समझने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन है, ये नौकरी से किसी तरह भी कम नहीं है बल्कि हम तो ये कहेंगे उससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ स्वरोजगार और उद्यमिता को अपनाएं, अपने पैरों पर खड़े हों और इसमें अगर किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत है तो वो निस्बट के पास आ सकते हैं। संस्थान उनको अपना उद्यम लगाने में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर देगा। हर्षित तनेजा आज उन युवाओं के लिए एक उदाहरण है जिनका उद्यमी बनने का सपना है। इसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो फिर ये रास्ता और आसान हो जाता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।
हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।